दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आज मैं आपको लेके चलने वाला हूं एक नई जगह है। बरेली में एक नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है जिसका नाम है रेल कैफे। आज मैं आपको दिखाऊंगा इनसाइड व्यू ऑफ दिस कैफे। स्वीट नया टेंट चला हुआ है और यहां पे आप आइए फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ आप आके यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। भाई उसमें ले लो ना पूरा, तुम्हारा हो गया। तो ये है इज्जत नगर रेलवे स्टेशन और आज हम यहाँ की सबसे अद्भुत चीज आपको दिखाने वाले हैं जो बरेली में एकदम फेमस है। इस टाइम पे मतलब ट्रेंडिंग चल रहा है। आप देखिए इज्जत नगर रेलवे स्टेशन का नजारा और आज हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे जो इसका नाम है द रेल कैफे, उसके हम आज आपको अंदर तक जाके क्या है स्पेस हूँ। टीका कॉर्नर लग से इन्होंने बनाया हुआ है लास्ट में रेल कैफे के ऊपर, तो वो आप कर सकते हो। इनका एक किचन जोन है एकदम, ये ट्रेन का ही बोगी है जहाँ पे स्टार्टअप किया हुआ है। GST 5%। ये इज्जत नगर रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन रेली रेलवे स्टेशन। और क्या है इसमें? और आप देखिए इसका माहौल। हाँ, यहाँ पे आप आके कॉफी और चाय है जो भी आप पी सकते हो। और यहाँ पे चाय का टेस्ट मैंने किया, बहुत ही अच्छा है। जगह भी बहुत अच्छी है और टोटल जो यहाँ पे स्नैक्स में आपको जो चीज़ें अवेलेबल है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये चीज़ें आपको मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे वेटिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, सीटें लिमिटेड हैं। तो आप जब वेट करने यहाँ पे आ रहे हो तो आप यहाँ पे चाय कॉफ़ी जो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। उनका किचन छोटा सा यहाँ पे उन्होंने स्नैक्स के लिए बनाया हुआ है बैक साइड में, तो आप इंजॉय कर सकते हो। मेन जो रेस्टोरेंट है ये बाहर का नज़ारा है रेल कैफे का, और ये सामने जो भी आ रही है रेलवे स्टेशन की तरफ है। और व्यू रात का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी भीड़ भी रहती है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे आया हूँ 30 से पहले का जो डे है उससे पहले मैं आज यहाँ पे आया हूँ। तो आप देखिए काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए भी बहुत अच्छी जगह है इन्जॉय करने के लिए। फैमिली भी यहाँ पे आ सकती है। और यहाँ पे दो कंपार्टमेंट यहाँ पे बनाए हुए हैं, एक सिंपल सा रेस्टोरेंट है और सेकंड में अगर आपकी कोई बर्थडे पार्टी है, कोई ओकेजनल आप लोग इवेंट कर रहे हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। सेकंड कंपार्टमेंट में वो डायरेक्टली फैमिली के लिए बुक करते हैं। आज हम आए हैं बरेली के रेल कैफे में कि हम आपको रूबरू दर्शन कराते हैं अंदर से। इन एंट्री पॉइंट है, आप यहाँ से जो है जाएंगे और इसमें देखिए आप वेज नॉन वेज इज्जत नगर टू व्यंजन नगर तक का सफर है। रेल की बोगी को तोड़ के इन्होंने इसको मॉडिफाई करके रेस्टोरेंट बनाया है इज्जत नगर रेलवे स्टेशन पे या जस्ट। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं अंदर रेस्टोरेंट के और दिखाते हैं इसका नज़ारा जो कि बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। कि यहाँ से आप गेट ओपन करोगे और जैसे आप जाओगे सामने आपको फ्रिज रहेगी जिसमें आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह सारे स्नैक्स मिल जाएंगे। और ये एक कंपार्टमेंट है जहाँ पे 2x2 4x1x1 एंड 2x2 का चेयर लगे हुए हैं। और ये आपका पेस्ट्री वगैरह भी आप ऑर्डर कर सकते हो, गया हो गया हमारा बिल के लिए वेट कर सकते हो। ये देखिए पूरा कंपार्टमेंट है, एक रोल रेल का जो बोगी रहता है जो आपने देखा है पूरा एक ही कंपार्टमेंट है ये। और ये रेस्टोरेंट का प्रॉपर ड्रेस कोड है जहाँ पे वेटर्स भी हैं जो सर्व करते हैं उनका अलग है, और जो आपके पास बिल लेके आने आता है या ऑर्डर लेने आता है उसका उसका अलग है, वो टीटी के ड्रेस में आएगा। और मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ जो सेकंड कंपार्टमेंट है जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, वो आप वहाँ से निकलोगे फिर आपका सेकंड गेट आएगा जो टॉयलेट की व्यवस्था भी यहाँ पे है, पार्टी या सब कुछ है। फैमिली में आप आदर्श लोग आ रहे हो अभी बनाता हूँ आके यहाँ पे सेकंड कंपार्टमेंट में आके देख लो क्या है। तो आप देखिए यहाँ जैसे आप जाएंगे इंटीरियर काफी यूनिक इन्होंने बनाया हुआ है, आप जैसे अंदर जाओगे सामने आपको पूरा दिखेगा। और ज्यादा
जितने लोग हैं, जैसे देखिए आप 4x4 5x5 जितने भी लोग हैं पूरा यहाँ पे वंदे भारत का पोस्टर लगाया हुआ है, यहाँ पे बैठ के आप बर्थडे पार्टी या कुछ भी ओकेजनल आपको करना है वो आप कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा एटमोसफियर है और आप इंजॉय कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें। तो हम रेस्टोरेंट के अंदर हैं, हमारे फ्रेंड वेट कर रहे हैं खाने का, हमने ऑर्डर किया है, देखते हैं कैसा खाना है, जेनुइन जो भी फीडबैक होगा। अभी मैंने फीडबैक 2-3 लोगों से लिया तो उन्होंने बोला खाना बहुत ही अच्छा है, मतलब आपको आपका जो कॉस्ट है वो आपको लगेगा नहीं कि आपने इतना महंगा खाना खाया। थोड़ा रेट ज़्यादा है, मैं आपको मेन्यू पर भी दिखाता हूँ। तो हमने ऑर्डर किया है, कुछ 10-20 मिनट लगेगा वेटिंग का यहाँ पर खाने का आने का। और आपको दिखाता हूँ मेनू, एकदम ऐसा मेनू आएगा आपके पास कि 2 मेनू उनके पास में, इसमें एक में चाइनीज़ है और एक में आपका स्नैक्स में, जो आपका मेन्यू देखिए आप फर्स्ट में आपको उसमें दिखाया है वो मेन्यू भी यहाँ पे उन्होंने लगाया हुआ है। नो वेज नॉन वेज टोटल मैंने ऐसे किया। लगा आपको ये नज़ारा और हमारा फूड आ गया है, देखिए मंचूरियन ग्रेवी उसमें ले लो ना पूरा, तो और हमारा है वेज बिरयानी। टेस्ट में मैं जैसे आपको बताऊं काफ़ी अच्छा है, यूनिक टेस्ट है, आप ट्राई कर सकते हो यहाँ पे। और आपको नॉन